सिविल सेवा सर्विसेज में सिलेक्शन के लिए पहचान बदलने और विकलांगता सर्टिफिकेट में गड़बड़ी की आरोपी पूजा खेड़कर अब ट्रेनी आईएएस नहीं रही। यूपीएससी ने पूजा का सिलेक्शन रद्द कर दिया है, साथ ही भविष्य में आयोग की तरफ से आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर भी रोक लगा दी है। यूपीएससी ने उन्हें कई बार फर्जी पहचान बनाकर परीक्षा देने का दोषी पाया था। यूपीएससी ने एक बयान में कहा कि खेड़कर को सिविल सेवा परीक्षा के नियमों के उल्लंघन में दोषी पाया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन पोस्ट में, मैं हूं मीनू वर्मा। 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। यूपीएससी ने पूजा को नोटिस जारी कर सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर जवाब भी मांगा था। यूपीएससी ने कहा था कि पूजा के खिलाफ जांच में पाया गया है कि उन्होंने अपना नाम, माता पिता का नाम, सिग्नेचर, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस बदलकर यूपीएससी का एग्जाम दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट के और डिसेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इसके अलावा पूजा पर ट्रेनिंग के दौरान पद को का गलत इस्तेमाल करने और खराब आचरण करने के आरोप भी लगे थे। सबसे पहले पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुहास दिवासे ने पूजा के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया गया था। इसके बाद ही पूजा पर पहचान छिपाने और ओबीसी विकलांगता कोटे के दुरुपयोग करने का आरोप लगा। फिर 16 जुलाई को पूजा की ट्रेनिंग रोक दी गई और उन्हें मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी LBSNAA वापस बुला लिया गया। हालांकि वे 23 जुलाई की डेडलाइन खत्म होने तक LBSNAA नहीं पहुंची। बता दें कि पूजा की यूपीएससी में गड़बड़ी के मामले में और भी खुलासे हुए। सामने आया है कि पूजा ने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स बढ़ाने के लिए अपने नाम और उम्र में बदलाव किया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट में पूजा की तरफ से लगाए गए 2020 और 2023 के दो आवेदनों में पूजा के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि पूजा ने 2020 में आवेदन में अपना नाम खेड़कर पूजा दिलीप राव और उम्र 30 साल बताई थी। वहीं 2023 में कैट के आवेदन में उन्होंने अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर और उम्र 31 साल बताई। सवाल उठाया जा रहा है कि 3 साल के अंतराल में उनकी उम्र एक ही साल कैसे बढ़ी। बता दें कि दरअसल यूपीएससी में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 32 साल की उम्र तक 6 बार परीक्षा देने की अनुमति होती है। वहीं ओबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी 35 साल तक 9 बार परीक्षा दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक पूजा ने कुल 11 बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी है। इतना ही नहीं, विकलांगता सर्टिफिकेट से जुड़े विवाद में भी उन्हें दोषी पाया गया है। इसके अलावा पूजा पर माता पिता के मैरिटल स्टेटस की जानकारी छुपाकर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कोटे का फायदा उठाने का भी आरोप लगा है। पूजा के पिता दिलीप खेड़कर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। एफिडेविट में उन्होंने कहा था कि उनकी संपत्ति 40 करोड़ रुपए है, जबकि पूजा ने परिवार की संपत्ति 8 लाख से भी कम बताई थी। बता दें कि यूपीएससी की तरफ से कहा गया है कि उपलब्ध रिकॉर्ड की सावधानी पूर्वक जाँच की गई है, उसे सीएसी 2022 के नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने का दोषी पाया गया है। सीएसी 2022 के लिए उनकी अंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है और उसे भविष्य की सभी परीक्षाओं से अस्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है। पैनल ने कहा कि पूजा खेड़कर प्रकरण के मद्देनजर उसने 2009 से 2023 के बीच आईएएस स्क्रीनिंग प्रक्रिया को मंजूरी देने वाले 15,000 से अधिक उम्मीदवारों के डेटा की जाँच भी की है। इस विस्तृत अभ्यास के बाद पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर के मामले को छोड़कर किसी अन्य उम्मीदवार को सीएससी नियमों के तहत अनुमानित से अधिक संख्या के प्रयासों का लाभ उठाते हुए नहीं पाया गया है। पूजा खेड़कर प्रकरण पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। पसंद आया वीडियो तो लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।